अस्सलाम वालेकुम। दुआ करती हूँ कि मेरे सारे व्यूवर्स अपने अपने घरों में खैरियत से रहें। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार लजीज खीमा रेसिपी। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए आधा किलो खीमा। खीमे में मैंने बोन्स भी इस्तेमाल किए, इससे ज़्यादा टेस्ट आता है खीमे में। तो दो प्याज लिए हमने मीडियम साइज़ के, तीन टमाटर वो भी मीडियम साइज़ के, अगर बड़े हैं तो आप दो ले लीजिए। लेंगे ताज़ा हरा धनिया और साथ ही लेंगे पुदीना, वो भी एकदम फ्रेश है। हरी मिर्चें लेंगे 5 से 6, आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट करें, और एक नींबू। अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे 2 बड़े चम्मच भर के। 1 कप दही इस्तेमाल करेंगे, फेंट लें दही को अच्छे से। फिर लेंगे मटर, सूखे मसालों में 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, नमक 1 चम्मच आपके टेस्ट के हिसाब से, लाल मिर्च पाउडर वो भी 1 चम्मच भर के, कम खाते तो कम इस्तेमाल करें, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कसूरी मेथी, आप इसे थोड़ा तवे पे सेक लें और बारीक कर लें। अब लेंगे हम धनिया पाउडर, ये 1 चम्मच भर के है। खड़े मसालों में लेंगे अखी लाल मिर्ची, दालचीनी, शाहजीरा, 2-3 लौंग, हरी इलायची, थोड़ी सी काली मिरी। बटर इस्तेमाल करेंगे हम बघार के वक्त, या तो आप ऊपर से भी डाल के खा सकते हैं, बड़ा टेस्टी हो जाता है खीमा। चलो सबसे पहले हमने मैरिनेट करना है खीमे को। इसके लिए हमने हरे मसाले को थोड़ा चॉप कर लेना है, हरी मिर्ची, थोड़ी पुदीना और थोड़ी सी धनिया पत्ता, इसे हमने चॉपर में चॉप कर लेना है। आप बिल्कुल बारीक सा ना पीसें, थोड़ा मोटा मोटा रहने दें। देखिए इस तरह चॉप कर लिए है, इस तरह रहना चाहिए हरा मसाला। देखें तो खीमे में हम डाल देंगे पूरा हरा मसाला। अच्छा, खीमे को मैरिनेट करने से खीमा बहुत अच्छा और बढ़िया बन जाता है। 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे हम। फिर ऐड करेंगे हम दही जो कि फिटा हुआ है। अच्छा, दही और ये जो मसाले हैं आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है, और इसे आप फ्रिज में रख दें तकरीबन 1/2 घंटा, या अगर आप शाम में खीमा बना रहे हैं तो आप दोपहर से इसे मैरिनेट करके फ्रिज में रख लें, या सुबह खीमा बनाना है तो आप रात से मैरिनेट करके फ्रिज में रख दें। मैरिनेशन डन हो चुका है, अच्छे से मिक्स हो गया है। तो नेक्स्ट लेंगे हम ऑनियंस, उसको थोड़ा सा चॉप कर लेंगे हम चॉपर में, जिसमें हमने ग्रीन मसाले को ग्राइंड किया था वही इस्तेमाल करते रहे आप। तो चॉप कर लेंगे हमारी प्याज को, मोटी ना रखे, बारीक कर दें आप उसे, देखें इस तरह। उसके बाद हमने टोमेटोज़ को भी उसी तरह मोटा मोटा चॉप करके चॉपर में डाल दें, इसे भी आप बारीक कर लें। आप चाहे तो ग्राइंडर में भी बिल्कुल पेस्ट बना सकते हैं, इसकी प्यूरी बना सकते हैं। तो पैन में लेंगे हम 4 टेबलस्पून भर के ऑयल, आप चाहे तो एक स्पून आप ऐड कर सकते बटर का भी इस वक्त। तो खड़े मसाले डाल देंगे आप इसके अंदर, खड़े मसालों को सौते कर लेंगे एज़ यूजुअल, आँच को थोड़ी मीडियम रखें। उसके बाद डालेंगे हम हमारी प्याज, प्याज को हमने अच्छे से भून लेना ऑयल में और इसे गोल्डन ब्राउन करना है, 2 मिनट तक आपने इसे ऑयल में अच्छे से भून लेना है, ठीक है। तो 2 मिनट हो गए, हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी ऑलमोस्ट। अब इस स्टेज पे हमने डालना है अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा, अदरक लहसुन को भी हमने थोड़ा सा भून लेना है, साथ ही डाल देंगे नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। तो देखें अदरक लहसुन भी हमारा भून चुका है। अब डालेंगे थोड़े सूखे मसाले जैसे कि हल्दी है, साथ में है धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर दें लाल मिर्चों को। थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसे सौते कर लेंगे। तो ध्यान रखें मसाले नीचे चिपकना नहीं चाहिए। फिर डालेंगे हम टमाटो, टमाटो को भी अच्छे से भून लेंगे, और जब तक भूनेंगे 2 से 3 मिनट तक, जब तक इसका पानी पूरा सूख ना जाए टमाटर का और ऑयल पूरा ऊपर सेपरेट ना हो जाए, तो जब तक हमने टमाटर को अच्छे से चम्मच मिलाते हुए भून लेना है। चलो डालेंगे हम गरम मसाला पाउडर इसके अंदर, और फिर हमने थोड़ा सा मिक्स कर लें इसे भी। देखिए तेल भी ऊपर आ चुका है, मसाले अच्छे से भून चुके हैं। अब बारी आती है मैरिनेटेड खीमे की। तो मैरिनेटेड खीमों को मसालों में अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरह,
और तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इस खीमे को आपने अच्छे से मिलाते हुए भूनना है। याद रहे, खीमे को अच्छे से भूनना है क्योंकि इसका पूरा पानी खुश्क होना चाहिए। अगर भुनाई अच्छी होगी इस स्टेज पे खीमे की, तो आपका खीमा बहुत ही बेहतरीन बनेगा। चलिए मटर भी डाल देंगे साथ ही, और फिर चलाते जाएंगे इसे। अच्छा, इस स्टेज पर आप आज को थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। देख रहे हैं आप कितना पानी छूट रहा है हमारे खीमे में से, जैसे जैसे हम मिलाते जा रहे हैं। तो खीमा हमारा सूखते ही 50% जो है हमारा खीमा इस स्टेज पे पक जाता है, और 50% हमारा कब पकेगा, जब हम पानी ऐड करेंगे इसके अंदर। देखिए हमने पानी ऐड किया है इसके अंदर, तकरीबन 2 कप पानी ऐड किया है, और ऐसा करने से क्या होता है, खीमा हमारा और सॉफ्ट हो जाता है। ओके, फिर 10 to 15 मिनट्स खीमे को आपने पानी के साथ अच्छे से पका लेना है। ऊपर से डालेंगे हम कटी हुई हरी मिर्चें, थोड़ी सी कोथमीर डाल दें, और जो कसूरी मेथी है हमने थोड़ी भून के क्रश कर ली थी, वो भी इस स्टेज पे आप डाल दें। देखा इस तरह, और 10 से 15 मिनट हो गए हैं, हमारा खीमा अच्छा पक गया है। डालेंगे हम थोड़ी सी स्लिट करी हुई हरी मिर्ची, नींबू निचोड़ देंगे इसके अंदर। आप किस तरह की कंसिस्टेंसी पसंद करती हैं आप देखें, डिश आउट करें, पराठों के साथ खाएं। पराठों की रेसिपी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।